शुक्रवार को भाजपा की गुरुग्राम जिला अध्यक्ष गार्की कक्कड़ के नए कार्यालय का उद्घाटन हुआ। सेक्टर 10A गुरुग्राम में ये कार्यालय बनाया गया है। इस अवसर पर बीजेपी राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सुधा यादव, विधायक गुरुग्राम सुधीर सिंगला, गुरुग्राम की मेयर मधुआ आजाद समेत बीजेपी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। सबने गार्गी कक्कड़ को नए कार्यालय के लिए शुभकामनाएं दी। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें सबको कभी भी कहीं भी मौका मिल सकता है। पार्टी अपने कार्यकर्ता का ध्यान रखती है, वो ना बड़ा देखती है ना छोटा देखती है, कार्यकर्ता की निष्ठा और कार्यकर्ता के संघर्ष को जरूर नज़र में रखते हुए जरूर मौका देती है। तो सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी संगठन के साथ जुड़ना चाहिए और मेरा ये मानना है कि किसी विवाद में ना पड़ते हुए, जैसे सब कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को अपनी माँ मानते हैं, उसी तरीके से उसके वैभव के लिए उसे काम करना चाहिए। नेताओं का जमावड़ा हो और सियासी बातें ना हो, ये कैसे हो सकता है? मीडिया के सवालों के जवाब में डॉक्टर सुधा यादव ने बेबाकी से किसानों के मुद्दे पर और कांग्रेस के फिट इंडिया वाले तंज पर करारा जवाब दिया। देखिए, मैं जिस इलाके में रह रही हूँ, जहाँ पर गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ जैसे जिले आते हैं, इनको इस समय जो बाजार में बाजरे का मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिला है, इससे कुछ किसान तो मुझे खुश नजर आ रहा है। कहीं पर यहाँ आपको आंदोलन दिखाई दिया कि यहाँ पर किसी किसान ने आंदोलन किया हो? ये सिर्फ विपक्ष का प्रोपेगेंडा है। अब उनको कोई आरोप मिल नहीं रहे तो वो इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, लोगों का दिमाग भटकाना चाहते हैं। 6 वर्ष के कार्यकाल में कोई भ्रष्टाचार का आरोप न लगना और देश विदेश के अंदर देश की ख्याति फैलना, यही अपने आप में बहुत बड़े प्रमाण है। गार्गी कक्कड़ इससे पहले खादी विभाग की चेयरपर्सन रह चुकी हैं और उनके कार्यकाल में उनके काम की काफी सराहना होती रही है, लेकिन संगठन को मजबूती देना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। हालांकि गार्गी कक्कड़ के स्वभाव और काम करने के तरीके को जो जानते हैं, उन्हें यकीन है कि नई जिला अध्यक्ष बहुत जल्द गुरुग्राम बीजेपी को और मजबूत करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, वी न्यूज़।